दोस्तों, जैसे हमारा भारत देश बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ग्लोबल लेवल पर इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग यानी घटती हुई जनसंख्या की है। और इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है जापान का नाम। जापान की आबादी लगातार डिक्लाइन होती जा रही है और पिछले 15 सालों से जापान की पॉपुलेशन में गिरावट जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में जापान दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और जो जापान अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता था वो बस एक इतिहास बन के रह जाएगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला किसी देश की जनसंख्या कैसे कम हो सकती है। असल में दोस्तों, जापान की युवा आबादी फैमिली प्लानिंग करना ही नहीं चाहती। यूथ अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है और वो पत्नी और बच्चों को सिरदर्द समझने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बूढ़े लोगों की संख्या इस देश में लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जापान की पॉपुलेशन में रैपिड डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जापान की पॉपुलेशन लगातार कम क्यों हो रही है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग रैपिडली। जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से हर साल कुछ डेटा जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि पिछले एक साल में जापान में कितने बच्चों का जन्म हुआ और कितने लोग की डेथ हुई है। साल 2023 के आंकड़े बहुत ही शॉकिंग थे क्योंकि इस साल पूरे देश में सिर्फ 7,30,000 बच्चों ने ही जन्म लिया था। वहीं साल 2022 में जापान में करीब 7,99,000 बच्चों का जन्म हुआ था। पिछले 100 सालों में पहली बार जापान में इतने कम बच्चों का जन्म हुआ है। दूसरी ओर जापान में मरने वालों की संख्या पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले डबल है। पिछले साल 15,80,000 लोग की डेथ जापान में हुई थी, यानी एक साल में जापान की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 8,00,000 की गिरावट देखने को मिली। अगर ये दौर ऐसे ही जारी रहा तो धीरे धीरे जापान का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। हालांकि पिछले साल जापान में माइग्रेट होने वाले लोगों के नंबर्स में थोड़ा इजाफा हुआ है। इमिग्रेंट्स की संख्या में 11% की वृद्धि देखने को मिली है, यानी अब जापान में टोटल इमिग्रेंट्स की संख्या 3 मिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं जापान की टोटल पॉपुलेशन 12,26,00,000 के आसपास है, लेकिन फ्यूचर में यह आंकड़ा बहुत ही तेजी से नीचे गिरेगा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2070 तक जापान की पॉपुलेशन में 30% का डाउनफॉल हो जाएगा और देश की आबादी सिर्फ 8,70,00,000 रह जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 40% आबादी ऐसे लोग की होगी जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा होगी। वहीं साल 2100 तक जापान की पॉपुलेशन सिर्फ 5 करोड़ तक रहने का अनुमान है। जापान को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़े इसी देश में देखने को मिलेंगे। जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट टॉपर है। औसतन यहाँ पर महिलाएं 87 साल और पुरुष 81 साल तक की उम्र जीते हैं। देश का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जापान में 85,000 लोग तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है और देश की मीडियन एज 48.4 ईयर्स है। असल में जापान ने 20th सेंचुरी में बहुत तेजी से डेवलपमेंट की थी। इससे जापान के लोगों का लाइफस्टाइल बेटर हुआ, उन लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलने लगी और इसी वजह से यहाँ के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ा। ये तो एक बात हुई दोस्तों। अब बात करते हैं कि आखिर पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के और क्या क्या कारण है। रीजंस फॉर पॉपुलेशन डिक्रीजिंग। दोस्तों, जापान में जनसंख्या कम होने के कई कारण हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा मेन रीजन है लो फर्टिलिटी रेट। आज जापान की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.3 रह गया। साल 1900 में ये रेट 3.3 था, जो 1923 में 3.5 तक पहुंच गया था, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर और जापान की डेवलपमेंट के साथ इस रेट में तेजी से गिरावट देखने को मिली। एक देश में पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए 2.1 के फर्टिलिटी रेट की नीड होती है, जिसमें जापान अभी बहुत पीछे है। असल में आज जापान का यूथ बच्चे पैदा करने से पीछे हट रहा है। महिलाएं एक इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय करना चाहती हैं। जापान की आज 87% महिलाएं जॉब कर रही हैं और इसलिए उनके पास बच्चों की जिम्मेदारी लेने का टाइम नहीं है। यही हाल पुरुषों का भी है। जापान में वर्किंग आवर्स काफी ज्यादा हैं और लोग अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते। इसी वजह से पुरुष भी फैमिली प्लानिंग से बच रहे हैं। इस देश का एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि आज के समय में इस देश में बच्चों के डायपर से ज्यादा अडल्ट डायपर बिक रहे हैं। जापान में पॉपुलेशन में कमी आने का एक और रीजन है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। कैपिटल सिटी टोक्यो जैसे शहर में रहना दोस्तों बहुत महंगा हो गया है। टोक्यो की गिनती दुनिया के सबसे महंगे शहरों में की जाती है। यूथ इस बारे में सोच विचार करता है कि अगर वो फैमिली प्लानिंग करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे तो उनके ऊपर बच्चों के खर्च का बोझ बढ़ जाएगा। चाइल्ड केयर और बच्चों की एजुकेशन हद से ज्यादा महंगी है और आज जापान के यूथ की इनकम इतनी कम हो चुकी है कि वो बच्चों का खर्च उठाने में असमर्थ है। यूथ अकेला अपनी लाइफ गुजारने पर मजबूर है क्योंकि वो बस अपने लायक ही ठीक ठाक कमाई कर पा रहा है। जापान की फैमिली की एवरेज इनकम में गिरावट जारी है। एक तो सैलरी में कमी और दूसरी ओर महंगाई, इस तरह से दोहरी मार का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पिछले 3 दशक में जापान के लोगों की पर कैपिटा इनकम में गिरावट देखने को मिली है, जो बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली बात है। यू डजंट वांट टू मैरी। जापान की यंग जनरेशन शादी से दूर भाग रही है या फिर देर से शादी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जापान की 25 से 29 साल की 66% महिलाओं ने शादी नहीं की थी, तो वहीं 30 से 34 एज ग्रुप की 39% महिलाएं बिना शादी के रही थी। महिलाएं और पुरुष दोनों ही शादी से दूरी बना रहे हैं। जापान में 18 से 39 ईयर्स के पुरुषों और महिलाओं को लेकर एक सर्वे किया गया था। साल 1992 में जापान में इस एज ग्रुप की 21.7% महिलाएं ऐसी
थी जिसने 20 सालों के दौरान एक बार भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया था, तो वहीं 20% पुरुष इस श्रेणी में आए थे। साल 2015 में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया है। देश की इतनी बड़ी आबादी अगर यौन संबंध नहीं बनाएगी तो देश की जनसंख्या में कमी आना बिल्कुल लाजमी है। जापान भले ही एक डेवलप्ड नेशन है लेकिन यहाँ का कल्चर इतना ओपन नहीं है कि शादी के बिना लोग बेझिझक होकर बच्चे पैदा कर सके। इन सबके अलावा मैरिड कपल्स के बीच डिवोर्स के केसेस भी जापान में बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी भी इस देश में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अच्छी स्किल्स के बावजूद युवा पीढ़ी को लो इनकम वाली जॉब करनी पड़ रही है। जापान में दो तरह की जॉब्स होती है, रेगुलर जॉब्स और नॉन रेगुलर जॉब्स। देश की 40% आबादी नॉन रेगुलर जॉब्स में काम कर रही है और कोई भी महिला नॉन रेगुलर जॉब्स वाले पुरुषों से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि इन जॉब्स में पैसा काफी कम मिलता है। जापान में कुछ जॉब्स तो इतनी बेफिजूल है जिसे सुनकर ही आपको हंसी आ जाएगी। कैपिटलिज्म और बेटर लाइफस्टाइल की वजह से जापान के लोग स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग भूल चुके हैं। वो भूल गए हैं कि प्रजनन भी उनके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। भले ही यहाँ पर लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं लेकिन फिर भी डिप्रेशन की संख्या जापान में लगातार बढ़ रही है। असल में ये लोग अब किसी से इमोशनली अटैच नहीं होते और इस वजह से वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं। अकेलेपन की वजह से यूथ डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। आज जापान की पॉपुलेशन में टोटल 23% मेल और 14% फीमेल ऐसी हैं जो शादी ना करने का पक्का मन बना चुके हैं। यहाँ पर लोग अपना दुख दर्द बांटने के लिए अब रेंट पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हायर करने लगे। जापान में कई कैफेज के बाहर आपको लड़कियाँ खड़ी हुई मिल जाएंगी जिनसे आप 2000 येन में 40 मिनट तक बात कर सकते हैं। वो लड़कियाँ आपको दिलासा देंगी, आपकी बातें सुनेंगी और आपको अच्छा फील कराएंगी। हालांकि इस काम में फिजिकल रिलेशन की कोई जगह नहीं है। पॉपुलेशन डिक्रीजिंग इफेक्ट्स ग्रोथ एंड जीडीपी ऑफ कंट्री। जापान की घटती आबादी और बूढ़ी होती जनसंख्या से देश की ग्रोथ पर सीधा असर पड़ रहा है। जब भी किसी देश में बूढ़े लोग की संख्या ज्यादा होती है तो सरकार पर प्रेशर बढ़ जाता है। बूढ़े लोग को पेंशन देना, नेशनल सिक्योरिटी देना और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देना सरकार की जिम्मेदारी है। और आज के समय में जापान की टोटल जीडीपी का 15% हिस्सा सिर्फ बूढ़े लोग के पेंशन में ही खर्च हो रहा है और इसका सीधा असर युवा पर पड़ रहा है क्योंकि सरकार कोई पैसों की खेती तो करती नहीं है। घूम फिर कर पैसा तो जनता से आना है। जापान की सरकार को ना चाहते हुए भी टैक्स रेट में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। काम करने वाले लोग की संख्या कम है और बैठकर खाने वालों की संख्या ज्यादा है। इस वजह से देश की ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई है। जापान के कई गांव और म्युनिसिपैलिटीज धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। 2050 तक जापान की 1729 म्युनिसिपैलिटीज में से 744 पूरी तरह से वैनिश हो सकती है। इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि एक म्युनिसिपैलिटी ऐसी भी है जहां पर पूरे स्कूल में सिर्फ दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी सभी लोग या तो गांव छोड़कर जा चुके हैं या फिर पढ़ाई करने वाले बच्चे उस गांव में बचे ही नहीं हैं। गांव के सिर्फ 10% आबादी ऐसी है जो 18 साल से कम लोगों की है। उनमें से कई बच्चे बोर्डिंग स्कूल या बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जा चुके हैं और धीरे धीरे ऐसे ही हालात बाकी म्युनिसिपल एरियाज में भी देखने को मिलेंगे। आवर पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन जापान। दोस्तों तो ही सारी प्रॉब्लम्स की बात, अब बात करते हैं आखिर जापान में पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर सकती है और फिलहाल क्या उपाय सरकार कर रही है। प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने ऐलान किया था कि लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और बच्चों की परवरिश पर होने वाले खर्च में सरकार की ओर से मदद की जाएगी। यानी देश की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सरकार खुलकर पैसे खर्च करने के लिए रेडी है। लोगों को मोटिवेट करने और बच्चे पैदा करने के लिए कई स्कीम सरकार चला रही है। इसके लिए बीते साल $35 बिलियन का बजट तय किया गया था। इसके अलावा पैटर्निटी लीव, अधिक बच्चा पैदा करने पर टैक्स रिबेट, फ्री चाइल्ड केयर सेंटर खोलना, चाइल्ड पॉवर्टी को दूर करने के लिए सरकार टोटल $140 बिलियन खर्च कर रही है जो उनके बजट का 4% है। लेकिन क्या पैसा खर्च करने से लोग बच्चे पैदा करने के लिए मोटिवेट होंगे? कुछ एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि इससे पहले सिंगापुर भी बच्चे पैदा करने के लिए पैसा खर्च करने की पॉलिसी को अपना चुका है और वहाँ पर इस पॉलिसी से कुछ खास असर नहीं देखने को मिला था और पैसा खर्च करने का आइडिया बहुत लिमिटेड है। जापान ऑलरेडी बहुत पहले ही भारी कर्ज में है। देश पर अपनी जीडीपी से डबल कर्ज है। जापान का टोटल डेब्ट $2.2 ट्रिलियन है। ऐसे में जापान किसी स्कीम पर पानी की तरह पैसा नहीं बहा सकता। जापान में लोग बच्चा पैदा करने के लिए तभी मोटिवेट होंगे जब उन्हें बच्चों की अहमियत के बारे में बताया जाएगा। यूथ को समझाना पड़ेगा कि बच्चों के आने से उनकी लाइफ में एक अलग ही खुशियाँ आएंगी, दुनिया का सबसे बेहतर अनुभव उन्हें मिलेगा। बच्चे कोई बोझ नहीं है। अगर उनके माता पिता ने भी यही सोचा होता तो क्या कभी वो दुनिया में आ पाते? इसके अलावा जापान को यहाँ इमिग्रेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए। अगर जापान ने अपने दरवाजे इमिग्रेंट्स के लिए खोल दिए तो यकीनन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका के कई देशों के लोग जापान का रुख कर सकते हैं। धीरे धीरे ये लोग जापान में सेटल होने लगेंगे और जापान की पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। गल्फ कंट्रीज सहित दुनिया के जिन देशों में आबादी बहुत कम है वो दूसरे देशों के इमिग्रेंट्स को इन्वाइट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जापान को कई पॉलिसी में बदलाव करने होंगे क्योंकि फिलहाल जापान की इकोनॉमी इमिग्रेंट्स के लिए बहुत सपोर्टिव नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं जबकि पास जाकर देखा जाए तो सच्चाई कुछ और ही होती है। और घटती आबादी सिर्फ जापान की ही समस्या नहीं है बल्कि कई देश लो फर्टिलिटी रेट और पॉपुलेशन डिक्लाइन की समस्या से जूझ रहे हैं और आने वाले 40 से 50 सालों में भारत में भी कुछ ऐसी ही समस्याएं जन्म ले सकती हैं। आपके हिसाब से क्या भारत को अभी इस बारे में चिंता करने की जरूरत है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।